किसी भी प्रॉपर्टी को खूबसूरत बनाता है उसका इंटीरियर वर्क, उसका एलिवेशन वर्क और उसका फ्लोर प्लान। जी हाँ दोस्तों, अगर फ्लोर प्लान अच्छा है तो जो आपकी प्रॉपर्टी निखर के आएगी बहुत ही खूबसूरत और आलीशान निखर के आएगी। आज जिस प्रॉपर्टी का मैं आपको टूर कराने वाला हूँ उसका फ्लोर प्लान बहुत ही सुंदर रहने वाला है और बहुत ही स्पेशियस फ्लोर प्लान ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो आपको किचन मिलने वाली है, एक रूम के साइज़ की आपको किचन मिलने वाली है, साथ में आपको इस वाली प्रॉपर्टी में 5 किंग साइज बेडरूम आपको मिलने वाला है। और अगर बात करूँ लोकेशन की तो जयपुर शहर की प्राइम लोकेशन वैशाली नगर के पास में आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगी और साथ में इस वाली प्रॉपर्टी में आपको लिफ्ट का प्रोविज़न दिया हुआ है और साथ में होम थिएटर मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की लग्जरी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आइए करते हैं प्रॉपर्टी का टूर फ्रंट एलिवेशन से। तो दोस्तों, हम आप पहुँचे हैं प्रोजेक्ट के बाहर और ये रहेगा आज की इस खूबसूरत प्रॉपर्टी का बहुत ही खूबसूरत प्यारा मॉडर्न एलिवेशन वर्क। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको ट्रोलर पेंट का वर्क आपको करके दिया रहा है, साथ में स्टील और टफन ग्लासेस की रेलिंग का वर्क आपको मिलने वाला है। एक बार आप फ्रंट एलिवेशन पे आप फोकस कीजिए, आपको जो फ्रंट एलिवेशन का जो डिज़ाइन वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक और डिसेंट और लग्जरी एलिवेशन वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। मेन वॉल की बात करें तो मेन वॉल पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको स्टोन्स का, ग्रेनाइट का और टाइल्स का वर्क आपको मिलने वाला है। अब बात करूँ ब्रम एरिया में तो ब्रम एरिया में आपको ग्रेनाइट पत्थर का वर्क आपको मिलने वाला है। 40 का फ्रंट है, इसलिए आप अपने विला में एक फोर व्हीलर है वो बाहर भी पार्क कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आपको नेम प्लेट के लिए जगह दी गई है, 411 नंबर आपका ये विला का नंबर रहने वाला है। और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आपकी ये प्रॉपर्टी डिज़ाइन की हुई है, हिकविजन कंपनी का यहाँ पे वीडियो डोर फोन सिस्टम ही आपको मिलने वाला है। और अब बात करेंगे मेन डोर की, तो मेन डोर आप देख सकते हैं 3 फोल्डिंग ये आपका गेट रहने वाला है, तो आप अपने विला में 2 बड़ी 4 व्हीलर इजिली पार्क कर सकते हैं। जैसे आप अपने विला में अंदर मूव करते हैं ये रहेगा इसका पार्किंग स्पेस, काफ़ी अच्छा पार्किंग स्पेस यहाँ आपको मिलने वाला है। 2 बड़ी 4 व्हीलर आप अपने विला में इजिली पार्क कर सकते हैं। फ्लोर की बात करो तो फ्लोर में एंटी स्किप टाइल्स लगा के दी जा रही है और इस वाली प्रॉपर्टी में आपको डबल एंट्रेंस मिलने वाली है। ये आपकी प्राइमरी एंट्रेंस रहेगी जो सीधे एंटर करेगी आपके डाइनिंग कम लिविंग एरिया में, और एक जो आपकी सेकेंडरी एंट्रेंस रहेगी उसकी सीधी एंट्रेंस रहेगी आपके ड्राइंग एरिया से। यहाँ पे आपको 7,000 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी का वाटर टैंकर यहाँ आपको मिलने वाला है। वेलकम वॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ग्रेनाइट और टाइल्स का बहुत ही सुंदर पैरा वर्क आपको मिलने वाला है और साथ में अप एंड डाउन लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी जा रही है। इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स यहाँ आपको मिलने वाला है और स्पेशियस यहाँ आपको रहने वाला है, और साथ में गैस बैंक का है जो प्रोविजन है वो भी आपको विला के बाहर ही दिया हुआ है, आप अपना गैस बैंक यहीं बना रख सकते हैं। इस तरफ अगर बात करें तो ये रहेगा आपका 2 व्हीलर पार्किंग स्पेस, ये 2 व्हीलर पार्किंग स्पेस है जहाँ आप अपनी 4 या 5 2 व्हीलर इजिली पार्क कर सकते हैं। और आप फोकस कीजिए, ये वाली प्रॉपर्टी है वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है और आप ये यहाँ देखिए एक अशोक का पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर बात करें वास्तु के अकॉर्डिंग, अगर आपके घर के आसपास अशोक का पेड़ है तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में और घर के आसपास बनी रहती है। स्पेसेस यहाँ आपको मिलने वाला है, वेंटिलेशन के लिए बड़ी बड़ी विंडोज़ यहाँ आपको लगा के दी गई है और साथ में सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं लोहे की ग्रिल का वर्क भी यहाँ आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आप लाइट्स देख सकते हैं, सुंदर लाइट्स यहाँ आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं मेन डोर की, तो मेन डोर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 डबल डोर दिए गए हैं। एक ये आपका जो डोर रहेगा वो मैश डोर रहेगा वुडन का, और ये रहेगा आपका मेन डोर, प्रीमियम क्वालिटी का वुडन का डोर यहाँ आपको मिलने वाला है। और अगर बात करूँ मैं साइज़ की तो 8x4 का ये आपका डोर रहने वाला है। और यहाँ पे येले कंपनी का आपको डिजिटल लॉक मिलने वाला है जो आपका पासवर्ड, थंब और कार्ड से ऑपरेट रहेगा। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं विला का अंदर से टूर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका विला के अंदर। वीडियो की आगे शुरुआत करेंगे ड्राइंग एरिया से, तो ये रहेगा इसका सेपरेट ड्राइंग एरिया, काफ़ी स्पेशियस आपका ये ड्राइंग एरिया रहने वाला है। अगर बात करूँ सोफ़े की तो यहाँ पे एल शेप में यहाँ आपको सोफ़ा लगा के दिया रहा है, 16 सीटर का यहाँ आपको सोफ़ा मिलने वाला है, बीच में सेंटर टेबल आपको मिलने वाली है। मेन वॉल पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्यारा वुडन का डिज़ाइनर वर्क आपको मिलने वाला है, बहुत ही सुंदर प्यारा फ्रेमवर्क यहाँ आपको करके दिया रहा है और सुंदर शोपीस यहाँ आपको लगा दिया रहा है। प्रोफाइल लाइट का बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है, प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर वर्क यहाँ आपको करके दिया रहा है। बात करेंगे इस वॉल की तो आप देख सकते हैं सुंदर यहाँ पे आपको वॉल क्लॉक लगा के दी जा रही है और वुडन का बहुत ही प्यारा फ्रेमवर्क आपको मिलने वाला है। इस तरफ भी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए स्पेस दिया गया है, वुडन और ग्लास का ये आपका डिज़ाइनर फ्रेमवर्क आपका रहेगा। सेंटर टेबल यहाँ आपको लगा के दिया रही है, फोर सीलिंग वर्क हाँ यहाँ आप एक देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्यारा फोर सीलिंग वर्क आपको मिलने वाला है।
अब बात करेंगे टीवी कैबिनेट पैनल की। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्यारा टीवी कैबिनेट पैनल यहाँ आपको मिलने वाला है। और आप अगर साइज़ की बात करें तो आपका टीवी कैबिनेट पैनल यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ आपको मिलने वाला है। इस वाली प्रॉपर्टी में आपको डबल एंट्रेंस मिलने वाली है। ये जो एंट्रेंस थी आपकी ड्राइंग एरिया से रहेगी और एक आपकी प्राइमरी एंट्रेंस भी मिलने वाली है। वीडियो डोरफोन सिस्टम यहाँ आपको लगा के दिया रहा है और पैनासोनिक कंपनी का यहाँ आपको मिल जाता है एसी। जैसे आप थोड़ा सा आगे मूव करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका रहेगा सेपरेट डाइनिंग कम लिविंग एरिया। इस तरफ यहाँ पे आपको बहुत सी सुंदर सुंदर दो सोफे लगा के दिए गए हैं। बीच में छोटी सी सेंटर टेबल यहाँ आपको मिलने वाली है और ये आप एक बार वॉल पे आप फोकस कीजिए, बहुत ही सुंदर प्यारा वुडन पार्टीशन वॉल रहेगी आपकी। और ये आपका कॉमन बाथरूम रहने वाला है क्योंकि ड्राइंग और डाइनिंग एरिया से रहने वाला। काफ़ी प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट वाली आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। 222 गज में बनी हुई आलीशान 5 बेडरूम वाली आपकी एक कोठी रहने वाली है जो कि लोकेटेड रहेगी जयपुर शहर की प्राइम लोकेशन वैशाली नगर के पास में। ये आ जाता है इसका डाइनिंग स्पेस, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ आपको मिलने वाला है। 6 सीटर की डाइनिंग टेबल यहाँ आपको लेके दी जा रही है। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है स्टेयर्स के नीचे। और ये रहेगा आपका काउंटर बेसिन और यहाँ से आप एक बार नज़र मारिए, खूबसूरत शेल्टर लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वाली प्रॉपर्टी में आपको दो एंट्रेंस मिलने वाली है। ये आपकी प्राइमरी एंट्रेंस रहेगी, हमने जहाँ से एंटर किया था वो आपकी सेकेंडरी एंट्रेंस थी जो सीधी आपकी ड्राइंग रूम से एंटर करती है। अब आगे बात करें तो जैसे आप अपने किचन में एंटर करते हैं स्टार्टिंग में आपको मिल जाती है वेलकम वॉल जो जहाँ पे आपको मिल जाता है वुडन का बहुत ही प्यारा सुंदर डिज़ाइनर वर्क और सुंदर सुंदर शेडो लाइट्स आपको लगे दी जा रही है। अब 222 गज में बनी हुई कोठी है तो किचन भी स्पेशियस होने वाली है क्योंकि साइज़ आप देख सकते हैं प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई आपकी किचन है। और अगर प्रॉपर्टी फाइनल करवानी है तो किचन स्पेशियस होनी चाहिए क्योंकि अगर आपकी किचन स्पेशियस है मैम को पसंद आ गई तो प्रॉपर्टी ज़रूर फाइनल होगी। और यकीनन मानिए अगर आप ये प्रॉपर्टी की विज़िट करने आएंगे तो किचन पे आप किचन आपको देखते ही पसंद आने वाली है। साइज़ आप देख सकते हैं किचन का, एक रूम की जितनी साइज़ की यहाँ आपको किचन बना के दे रहे हैं। बीच में ये आपका प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं या फिर कुछ भी कुकिंग वुकिंग करना चाहते हैं, सब्जी कट करना चाहते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको आपके सामान रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है। एल शेप में यहाँ आपकी किचन स्लैब रहेगा और पूरी जो किचन है वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है क्योंकि इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट वाइट कलर का कॉम्बिनेशन वर्क है जो वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहता है। डबल स्लैब यहाँ आपको मिलने वाले हैं। ये आपका डिशवॉशर रहेगा। सारे किचन अप्लाइसेंस यहाँ आपको मिलने वाले हैं। अपर कैबिनेट्स और लोअर कैबिनेट्स सारे आपके सॉफ्ट क्लोजर्स रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके छोटे छोटे आइटम्स होते हैं कई हमारे किचन्स में, उसको रखने के लिए फिर काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ आपको दिया गया है। ऊपर अगर कैबिनेट्स की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ग्लास सरफेस वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। एंड ये यहाँ पे आपको 4Runner हॉब दिया गया है ग्लेन कंपनी का, फेबर कंपनी की यहाँ आपको चिमनी लगा के दी जा रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजर्स किचन रहने वाली है और प्रीमियम क्वालिटी का वर्क आपको मिलने वाला है। सुंदर सुंदर छोटी छोटी लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी जा रही है। अगर आप शौकीन हैं गरम गरम खाने के तो यहाँ पे मैम खाना बनाएगी और यहाँ पे आप से खड़े होके और ब्रेकफास्ट का आनंद ले सकते हैं। माइक्रोवेव और OTH यहाँ आपको लगा के दिया रहा है और सुंदर सुंदर ये इंटीरियर वर्क आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पे छोटे छोटे जो अपने किचन के आइटम्स हैं वो आप इसमें आसानी से रख सकते हैं। 4 सीलिंग वर्क भी यहाँ पे आपको लगा के दिया रहा है। और अब देखिए होता क्या है कि किचन स्पेशियस है, किचन में गर्मी भी लगती है लेडीज़ को कुक करते समय, तो हमने उसको भी ध्यान में रखा हुआ है। यहाँ पे हमने AC का पॉइंट दिया हुआ है तो आप यहाँ पे AC लगा के मैडम को बिल्कुल कूल करके और गरम गरम खाने का आनंद ले सकते हैं। पंखा यहाँ पे लगा के दिया रहा है, वेंटिलेशन के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे विंडोज़। आइए दोस्तों अब आगे मूव करते हैं। इस वाली प्रॉपर्टी में आपको ये लिफ्ट का भी प्रोविज़न दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी लिफ्ट रहेगी। इसका वापस हम जब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तब इसी से चलेंगे। अब आगे मूव करते हैं, ये आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। काफ़ी स्पेशियस आपका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। आप इंटीरियर वर्क आप देखिए, बहुत ही यूनिक क्लासिक और डिसेंट इंटीरियर वर्क आपको इस वाली प्रॉपर्टी में मिलने वाला है। कुल्टिंग का बहुत ही प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है, प्रोफाइल लाइट वर्क आपको करके दिया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं सुंदर सुंदर आइटम्स लगा के दिए जा रहे हैं और यहाँ पे आपको ब्लू स्टार कंपनी का AC लगा के दिया जा रहा है। जस्ट पीछे अगर इस तरफ बात करें तो ये आपका वॉकिंग वार्डरोब विथ अटैच ड्रेसिंग पार्ट रहेगा बिल्कुल सेपरेट। यहाँ पे दो बड़ी बड़ी वार्डरोब्स हैं आपको मिलने वाली है। टीवी कैबिनेट पैनल जहाँ आपको जस्ट सामने आपको मिलने वाला है। और एक बार किचन अगर बाथरूम की बात करें
तो बाथरूम पे नज़र मारिए, बहुत ही सुंदर प्यारा बाथरूम यहाँ आपको मिलने वाला है। क्यूबिकल पार्टीशन यहाँ आपको करके दिया रहा बिल्कुल सेपरेट। और बात करेंगे यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, तो पीछे यहाँ पे आपको बैकयार्ड भी दी गई है, डबल डोर यहाँ आपको मिलने वाले, एक आपका मेन वुडन का डोर रहेगा और एक आपका मैश डोर यहाँ आपको मिलने वाला है। फोर सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्यारा फोर सीलिंग वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये कंप्लीट टूर था ग्राउंड फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर के टूर करने पर एक आइडिया हुआ होगा कि किस तरह की प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये तो केवल पिक्चर है, ट्रेलर, ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इस वाली प्रॉपर्टी में आपको ऊपर 3 बेडरूम मिलने वाले हैं स्पेशियस, और एक आपका जो बेडरूम रहेगा वो रहेगा सेकंड फ्लोर पे, और साथ में आपको जो रूफ टॉप टेरेस गार्डन डेवलप करके दिया जा रहा है, और साथ में आपको मिलने वाला है होम थिएटर भी। 222 गज में बनी हुई आपकी प्रॉपर्टी है। रेट्स मैं आपको थोड़ा सा ऊपर चल के बताऊंगा, क्योंकि फिर आप वीडियो को स्किप जरूर करोगे। तो हम चलते हैं लिफ्ट से, और हमारा जो कैमरा है वो हमको फॉलो करेगा स्टेयर से। तो आइए चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो वहाँ पहुँचे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। काफ़ी स्पेशियस आपकी प्रॉपर्टी है, और यकीनन मानिए लिफ्ट में जो हमारी देसी लैंग्वेज में बात करें, मोजी खाने में बड़े मज़े आ गए। तो थोड़ा अब बात करते हैं आगे। ये रहेगा आपका मंदिर वाला स्पेस, प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेपरेट ये आपका पूजा का घर रहने वाला है। अगर आप भजन कीर्तन करना चाहते हैं, घर में लेडीज़ होती है जो भजन कीर्तन ज़्यादा करती है, और उनकी मित्र मंडली होती है जिनको स्पेशियस आपका पूजा का रूम चाहिए, तो आप स्पेस दे सकते हैं यहाँ पे 15-20 लेडीज़ या जेंट्स जो भी मिलके, और जब भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो आराम से स्पेशियस आपका मंदिर रहने वाला है। और मंदिर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया भव्य मंदिर यहाँ आपको मिलने वाला है, और पूरा आपका वुडन का वर्क आपको मिलने वाला है। फोर सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं, डिज़ाइनर फैन ही आपको लेके दिया जा रहा है, और जो आपकी फ्रंट साइड की टेरिस फ्रंट साइड की बालकोनी है, एक बार मैं आपको फ्रंट साइड की बालकोनी यहीं से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आपको मैश डोर यहाँ आपको मिलने वाला है। फ्रंट साइड की बालकोनी आप देख सकते हैं, स्पेशियस आपकी फ्रंट साइड की बालकोनी रहेगी। यहाँ आप अपना आराम से जो झूला होता है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे भी डिज़ाइनर वर्क आपको मिलने वाला है, अप एंड डाउन स्लाइड्स लगा के दी गई है, फोर सीलिंग का बहुत ही प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है, और बसावट के बीचों बीच आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। दोस्तों अब बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट फ्लोर पे जो सेकंड हॉल रहेगा, आप ये सेकंड हॉल का एक बार इंटीरियर वर्क देखिए, बहुत ही प्यारा डिसेंट इंटीरियर वर्क आपको मिलने वाला है। डबल हाइट कट ऑफ यहाँ आपको मिलने वाला है, खूबसूरत शेल्डर लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी जा रही है, और पूरा ये वुडन का वर्क रहेगा जिसमें आपको ग्लास वर्क भी आपको मिलने वाला है। दो सुंदर सुंदर सोफे लगा के दिए जा रहे हैं, और बीच में मिल जाती है सेंटर टेबल। अब बात करेंगे आगे। तो जैसे आप आगे मूव करते हैं, ये आ जाता है आपका सेकेंड बेडरूम, जो कि रहेगा फ्रंट साइड में। इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिलने वाला है, मतलब सारे रूम्स में जो बेड लगने के बाद जो स्पेस है वो इतना मिलने वाला है कि अगर आप 3 सीटर का सोफ़ा लगाना चाहते हैं या सिंगल बेड भी लगाना चाहते हैं तो इजीली आप प्लेस कर सकते हैं। कुल्टिंग का बहुत ही प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है। ये रहेगी आपकी अटैच वॉकिंग वार्डरोब विथ अटैच बाथरूम, आपका बाथरूम भी काफ़ी स्पेसियस रहने वाला है, और हर रूम में आपको AC मिलने वाला है, और ये जो रूम रहेगा वो अटैच रहेगा फ्रंट साइड की बालकनी से। जैसे आप थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ये रहेगा आपका थर्ड बेडरूम, स्पेशियस आपका थर्ड बेडरूम रहने वाला है। उस तरफ हमने थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, अगर आप अपना 2 सीटर का सोफ़ा लगाना चाहते हैं, एक लंबा सारा सोफ़ा लगाना चाहते हैं, तो आप आसानी से लगा सकते हैं, और यहाँ से एक्सेस रहेगा आपके बैकयार्ड का। एंड ये रहेगा आपका वॉकिंग वार्डरोब ड्रेसिंग पार्ट और विथ अटैच बाथरूम। यकीन मानिए प्रॉपर्टी देखने के बाद में आपको वाव वाली फीलिंग आने वाली है। लग्जरी प्रॉपर्टी है, और वो कहावत है ना कि अगर लग्जरी प्रॉपर्टी लोगे तो आपके जो रिश्तेदार हैं ना उनको जलाने का मौका आप ऐसी प्रॉपर्टी लेकर ही दे सकते हो। ये रहेगा आपका फोर्थ बेडरूम, काफ़ी स्पेसिस आपका फोर्थ बेडरूम रहने वाला है। वार्डरोब, दो बड़ी बड़ी वार्डरोब आपको मिलने वाली है। टीवी कैबिनेट आपका इसमें इनबिल्ड रहेगा, और यहाँ से मैं वार्डरोब का अंदर का वर्क भी एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। पूरा कंप्लीट वुडन वर्क ही है, पूरा कंप्लीट जो आपका सनमाइका है, सनमाइका वर्क आपको मिलने वाला है।
प्रोफाइल लाइट वर्क आपको करके दिया जा रहा है। इस तरफ आपका ड्रेसिंग पार्ट रहेगा और जो आपके बेड रहेंगे वो सारे हाइड्रोलिक बेड रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके जो बेड हैं पूरे हाइड्रोलिक बेड रहेंगे। सारे बेड आपको इसी तरह के हाइड्रोलिक बेड मिलने वाले हैं जिसमें आप अपना सामान आसानी से रख सकते हैं। एंड ये आपका रहेगा बाथरूम, काफ़ी अच्छा स्पेसियस आपका ये बाथरूम रहने वाला है। तो दोस्तों ये कंप्लीट टूर था फर्स्ट फ्लोर का, जहाँ पे आपको मिल जाता है 3 स्पेशियस रूम, एक हॉल मिल जाता है, पूजा का सेपरेट रूम में आपको मिलने वाला है। अब हम चलेंगे सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे आपको एक रूम मिलने वाला है और साथ में मिल जाता है आपको होम थिएटर। तो स्टेयर्स में वर्क आप देख सकते हैं, ग्रेनाइट पत्थर का बहुत ही सुंदर प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है और खूबसूरत शेल्डर लाइट्स यहाँ आपको लेके दी जा रही है। और एक बार यहीं से आप नज़ारा मारिए, नीचे जो आपका डाइनिंग स्पेस रहेगा आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रीमियम लुक आपको यहाँ मिलने वाला है। अब आप ये देखिए यहाँ का जो इंटीरियर वर्क है, आप कितना लग्जरी इंटीरियर वर्क यहाँ आपको मिलने वाला है। ये पूरा वुडन का फ्रेमवर्क आपको मिलने वाला है, पोर्सलिन वर्क आपको बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। और ये आपका 5th बेडरूम रहेगा जिसमें हम आपको बेड लगा के नहीं दे रहे हैं, आप इस वाले स्पेस को, इस वाले रूम को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप स्टडी रूम बनाना चाहते हैं, योगा रूम बनाना चाहते हैं, जिमनेजियम रूम बनाना चाहते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑफिस बनाना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको अटैच वॉकिंग वार्डरोब मिलने वाला है विथ बाथरूम भी आपको अटैच मिलने वाला है। अब बात करेंगे आपका होम थिएटर का, तो ये रहेगा आपका होम थिएटर, मतलब लग्जरी प्रॉपर्टी के साथ में आप एंटरटेनमेंट का भी मजा ले सकते हैं। 3 डिक्लाइनर सोफा यहाँ आपको लगा के दिया रहे हैं और बाकी फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने सोफा प्लेस कर सकते हैं। पूरा म्यूजिक सिस्टम है वो प्रीमियम वर्क आपको मिलने वाला है और म्यूजिक सिस्टम भी आपको काफ़ी क्वालिटी वाला मिलने वाला है। और ये देख सकते हैं ये सामने जैसे स्क्रीन रहेगी आपकी, एंड इस वाले जो होम थिएटर है, होम थिएटर से एक अटैच हमने बाथरूम भी यहाँ आपको दिया हुआ है। AC यहाँ आपको मिलने वाला ब्लू स्टार कंपनी का। दोस्तों अब आगे मूव करते हैं आपके रूफटॉप टेरेस गार्डन का। ये आपका रूफटॉप टेरेस रहेगी और यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्यारा टेरेस गार्डन डेवलप करके दिया है। मेन वॉल पे आप बात करें तो यहाँ पे आपको स्टोन्स का बहुत ही प्यारा वर्क आपको मिलने वाला है। अप एंड डाउन लाइट्स यहाँ आपको लगा के दी जा रही है। इस तरफ भी अगर बात करें तो डार्क थीम बेसिस वर्क आपको मिलने वाला है और 4 सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको चेयर्स आपको लगा के दी जा रही है और आर्टिफिशियल ग्रास वर्क आपको मिलने वाला है। बस आउट के बीचों बीच आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है। आप यहाँ देख सकते हैं फोर सीलिंग वर्क आपको मिलने वाला, सुंदर सुंदर लाइट्स आपको लगा के दी जा रही है। 222 गज में बनी हुई आपकी प्रॉपर्टी है, 40x50 इसका डायमेंशन रहेगा, 40 का फ्रंट आपको इस प्रॉपर्टी में मिलने वाला है। रेट्स की बात करूँ तो मात्र 3,75,00,000 रुपए इसकी डिमांड रहने वाली है। जयपुर शहर की प्राइम लोकेशन वैशाली नगर के पास में आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड रहेगी। दोस्तों अगर आप इस प्रॉपर्टी की विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और हाँ, हमारे जो चैनल्स हैं आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारा चैनल है वो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पे आपको मिलने वाला है और मोहन अथावत के नाम से आपका ये चैनल रहेगा जिस पे आप शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस दोनों देख सकते हैं। और जो यहाँ पे टिकट साइज़ रहेगी हमारी इस वाले चैनल्स पे, वो यहाँ पर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज़ आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आया तो स्पेशली इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।